नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, इस प्लांट्स का नाम है इंपेशियंस और ये विंटर का काफ़ी ही बेहतरीन और खूबसूरत और काफ़ी भर भर के फूल देने वाला एक काफ़ी अच्छा सीजनल प्लांट है। तो दोस्तों, इसकी हम केयर के बारे में बात करेंगे, कैसी वाटरिंग करनी चाहिए और इसे हम कैसे फर्टिलाइज करें, फर्टिलाइज़र का यूज करें कि ये प्लांट अच्छी से सीजनल में फ्लावरिंग देने पाए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा दो कलर का प्लांट्स है, इधर साइड एक रेड है, एक हल्का पिंक शेड में है, लेकिन वीडियो में कलर का क्वालिटी पता नहीं चल रहा है और दोनों प्लांट्स की कलर एक ही लग रही है। तो दोस्तों आज इसी की बात करेंगे और कैसे वाटरिंग करना चाहिए और किस तरह इसे हमें ग्रो करना चाहिए, कैसा कंटेनर, कैसे गमला, कैसा पॉट, कैसा सॉयल, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक्स कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और ऐसे ही मेरे देसी गार्डनिंग टिप्स में आप जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इंपेशियंस का प्लांट है, देखिए कुछ मैंने टोकरी में लगाया है, प्लास्टिक की टोकरी में, और शैंड के रूप में मैंने, नहीं सॉयल के रूप में मैंने इसमें शैंड, कोकोपीट, सॉयल और लीव मोड का इस्तेमाल किया है। और जब मैंने इसे लगाया था तो थोड़ा सा नीचे ही लगाया था देखिए, और ऊपर का कुछ भाग मैंने छोड़ दिया था जिसमें मैं अभी कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ। और फर्टिलाइज़र में मैं हमेशा लीव मोड का इस्तेमाल करता हूँ जो मिट्टी को हमेशा पोरसयुक्त बनाती है और फ्लावरिंग वाले प्लांट को काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज भी करती है। ये देखिए, तो ऐसे ही समय समय पर मैं थोड़ी थोड़ी इसमें खाद मिलाता जाऊँगा तो इस तरह ये पूरे टोकरी भर जाएंगे और ये खाद स्लो मोशन में धीरे धीरे प्लांट को जितने भी इसके पोषक तत्व हैं वो इसे मिलते रहेंगे। और समय समय पर मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करता हूँ मस्टर्ड केक का, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र में एक प्रॉब्लम ये रहती है वो एक या दो दिन में ही इसमें पोषक तत्व रहती है और प्लांट उसे अपने में ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह से अगर हम थोड़े से स्पेस दिए रहेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उस प्लांट को ऊपरी रूप से थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र खाद जैसे काउ डंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, लीव मोल्ड हो गया, किचन वेस्ट ऊपर में हम डालते रहेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा जब भी हम वाटरिंग करेंगे तो उस जितने भी पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे इस प्लांट को मिलते रहेंगे और फ्लावरिंग काफ़ी हेवी और अच्छी होते रहेंगे। और टोकरी में लगाने का एक फ़ायदा ये है इसकी, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा फैलती नहीं है और ये छोटे से गमले और चौड़ाईयुक्त गमले में काफ़ी अच्छा वृद्धि करती है और जितने ज़्यादा ये फैलेगी उतना अच्छा ये फ्लावरिंग करती रहेगी। और फ्लावरिंग सूखने के बाद उसे हटा दें क्योंकि वो पत्ते और फूल में चिपक जाते हैं। और जब भी ऐसे प्लांट को आप वाटरिंग करें, ऐसे स्प्रिंकल के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से करें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इससे पौधे में कीड़े मकोड़े जो भी अटैक रहते हैं वो साफ़ हो जाते, काफ़ी हद तक नहीं रहते हैं। तो मैं तो स्पेशली ये दो प्लांट के लिए ऐसी वाटरिंग करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू मेरे वीडियो में आने के लिए। आप सभी को